इसका साथियों सीटेट की जुलाई परीक्षा पर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा आप सभी लोगों के 3 नए नियम अब लागू किए जाएंगे। अगर आप भी सीबीएसई की सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि सीबीएसई सीटेट परीक्षाओं की पल पल की सटीक जानकारी आप सभी को सबसे पहले बताई जाती है। दोस्तों गूगल पर जाकर सर्च करें सीटेट हिंदी प्रो। जैसे ही आप लोग सीटेट हिंदी प्रो सर्च करेंगे फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, इसको ओपन कर लेना। आज की सबसे बड़ी और सबसे नई अपडेट होने वाली है सीटेट परीक्षा 2024 के छात्रों के लिए नया नियम लागू। जी हां दोस्तों, सीटेट के एडमिट कार्ड अब जारी होने जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों की लिस्ट आ चुकी है। इस बार केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ रही है। वहीं 3 नए नियम लागू किए जा रहे हैं। आपको बता दें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की परीक्षाएँ पहले 5 जुलाई तक की होनी थी, लेकिन आपको पता होगा सीटेट की आवेदन की तिथि आगे बढ़ गई थी, जिसके कारण अब आप सभी की परीक्षा तिथि को भी आगे अब एक्सटेंड किया जा रहा है। जो अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 28 तारीख यानी कि 28 जुलाई 2024 तक अब सीटेट के परीक्षाएं जो हैं ये आपकी चलने वाली हैं। वहीं बात करें तो इस बार 3 नए नियम आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम मोड से संबंधित हो सकते हैं। यानी कि एग्ज़ाम को अब ऑफलाइन या ऑनलाइन में कम जो है कंडक्ट करवाया जा सकता है। एग्ज़ाम पैटर्न में आप लोगों को इस बार चेंजमेंट देखने को मिल सकता है। पेपर में क्वेश्चन इस बार आपके अच्छे खासे टफ देखने को मिल सकते हैं। सीटेट का जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है वो आपको 7 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। जो अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 की जो परीक्षाएँ होंगी वो आपकी 28 जुलाई तक ही देखने को मिल सकती है। वहीं आपके एडमिट कार्ड भी 21 तारीख तक देखने को मिलेंगे। इस बार सीटेट की परीक्षा छात्रों को पास करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी बताया जा रहा है, क्योंकि यूपी बिहार समेत कई राज्यों में इस समय टीईटी पास शिक्षक भर्तियां निकलने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में बात करें तो करीबन 2 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ शिक्षकों की आने वाली हैं।